हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शार्क फार्मासिस्ट। फ्रेंड, आज के समय में भारतीय मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जिनका यूज करने में बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट भारतीय मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। उनमें से एक ऐसी प्रोडक्ट है जिनको महिलाएं बहुत ज़्यादा यूज करती हैं, और ये मार्केट में, भारतीय मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस प्रोडक्ट है, जिसका नाम है वेट हेयर रिमूवल क्रीम। जी फ्रेंड, आज की वीडियो में हम जानेंगे वेट हेयर रिमूवल क्रीम के बारे में, इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में, जिससे आप सभी अनजान हैं। तो ये वीडियो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि महिलाएं इनका, इस क्रीम का यूज बहुत ज़्यादा करती हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को छोड़ कर ना जाएं, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर सभी वीडियो तो देखते हैं, लेकिन 99% बंदे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, वेट क्रीम को यूज अनचाहे बालों को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो बाल आपके हाथों पर हो, या टांगों पर हो, या बॉडी के किसी हिस्से पर हो, या महिला के प्राइवेट पार्ट पर हो, इन सभी को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्रीम का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि क्रीम एक दर्द रहित होती है, इससे कोई दर्द नहीं होता है, इसलिए इस क्रीम का यूज बहुत ज्यादा ही किया जाता है। लेकिन इसके होने वाले साइड इफेक्ट बहुत कम बंदे जानते हैं। सीधा सीधा कंपनी भी बोलती है इस क्रीम को 5 मिनट से ज्यादा ना यूज करें, 5 मिनट से ज्यादा देर लगा कर नहीं रखें, क्योंकि कंपनी में, इस प्रोडक्ट में जो मिलाए गए दो केमिकल्स हैं, वो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए कंपनी आपको सीधा बोलती है 5 मिनट से पहले ज्यादा इसको लगा के ना रखें। तो फ्रेंड, तो इस वेट क्रीम में दो केमिकल होते हैं, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है, जो हमारे स्किन पर लगने के बाद हमारे स्किन को काला कर देती है, साथ ही साथ किसी की, महिलाओं की और लड़कियों की जो है स्किन सेंसिटिव होती है, तो उनकी स्किन पर खुजली होना, लाल रेशेज होना, दाने निकल जाना, ऐसी समस्याओं का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड, ये थे इसके साइड इफेक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं। आपने देखा होगा किसी किसी महिला का प्राइवेट पार्ट या हाथ या बॉडी अन्य जगह पर कालापन आ जाता है इस क्रीम को यूज करने पर, जिस क्रिटिकल एरिया पर वो यूज करती हैं वहाँ कालापन आ जाता है, या फिर स्किन सेरोसिस हो जाती है, खुजली पैदा हो जाती है। तो फ्रेंड, ये इसके बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं जो इसमें केमिकल युक्त होती है ये क्रीम। ये कोई आयुर्वेदिक क्रीम तो नहीं है, इसमें केमिकल मिलाए जाते हैं जिनके कारण हमारी बॉडी पर ये समस्या देखने को मिलती है। फ्रेंड, अगर इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप रेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में वोमेन रेजर आते हैं, उनका यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वैक्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि तो महिलाएं वैक्स का यूज इसलिए नहीं करती क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है, उससे दर्द ज़्यादा होता है, लेकिन उससे यूज करने पर, वैक्स को यूज करने पर उनके अनचाहे बाल बहुत लंबे समय बाद आते हैं, तो इसलिए उसका यूज करें। ये बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट है, साथ ही साथ इसमें स्किन के कमें बहुत ही ज़्यादा आगे को देखने को साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।